टीवी सीरियल झनक की कहानी में आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध झनक पर हाथ उठाने वाली अर्शी को मुंह तोड़ जवाब देगा। वेल, अर्शी बर्थडे पार्टी में अपने अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी और वहां अनिरुद्ध झनक के साथ बारिश में भीग रहा था, झनक के साथ बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड कर रहा था। और जब अनिरुद्ध और झनक प्यारा प्यारा टाइम स्पेंड करके डिनर से लौटकर भीगे भीगे कपड़ों में वापस घर आए हैं, अर्शी इन्हें देखकर गुस्से से आग बबूला हो चुकी है। झनक की अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे अर्शी एक बार फिर से अनिरुद्ध और झनक को लेकर घर में तमाशा खड़ा कर देने वाली है। वेल, अर्शी एक बार फिर से घर में काफी ज्यादा बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। वो सबके सामने अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते पर सवाल उठाएगी। इतना ही नहीं, जब झनक अर्शी को रोकने की कोशिश करेगी तो ये अर्शी झनक पर हाथ उठाने की कोशिश करेगी एक बार फिर से। अब आप सोच रहे होंगे भला इसके आगे क्या कुछ होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अर्शी का हाथ जो उठने वाला है झनक पर, उस हाथ को तभी रोक लेगा अनिरुद्ध। जी हाँ, अनिरुद्ध अपनी झनक पर उठने वाले अर्शी के वार को बिल्कुल भी सहन करने वाला नहीं है। आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में अनिरुद्ध यहाँ पर अर्शी का हाथ पकड़ेगा और अर्शी को समझाने की कोशिश करेगा कि वो झनक के साथ इस तरह से बदतमीजी ना करे, झनक की कोई गलती नहीं है। इसके बाद अनिरुद्ध फिर से एक झूठी कहानी अर्शी के सामने बताने की कोशिश करेगा ताकि अर्शी झनक को लेकर जो हो रही है गुस्सा, वो अपना गुस्सा थूक दे। शो में आगे और क्या होता है देखना होगा।